1875 में सिरमौर रियासत के महाराजा शमशेर प्रकाश द्वारा स्थापित ऐतिहासिक फाउंड्री शातिरों के निशाने पर है। जिस विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया है वो बेखबर है। फाउंड्री के भीतर रखी पुरानी मशीनों के कलपुर्जों पर शातिर हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। 1875 में नाहन में स्थापित ऐतिहासिक फाउंड्री के रखरखाव पर सरकार की बेरुखी पहले ही भारी पड़ रही है। वहीं अब फाउंड्री के भीतर रखे पुरानी मशीनों के कलपुर्जों पर शातिर हाथ साफ करने लगे हैं। दूसरी तरफ फाउंड्री के रखरखाव का जिम्मा संभाले पीडब्ल्यूडी विभाग गहरी नींद में है। चोरी हो रहे कलपुर्जों से विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में पुलिस ने दो शातिरों को हिरासत में लिया है। हैरानी की बात यह है कि फाउंड्री में तैनात विभाग के चौकीदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी कि यहाँ के बेशकीमती लोहे के कलपुर्जों पर धीरे धीरे शातिर हाथ साफ कर रहे हैं। इस फाउंड्री के समीप रह रहे एक व्यक्ति की सतर्कता के चलते ये संभव हो पाया। लोहा चोरी कर रहे शातिरों पर स्थानीय व्यक्ति सुधीर रमौल की नजर पड़ गई। इसके बाद उन्होंने लोक निर्माण विभाग और पुलिस को सूचित किया। पुलिस तो मौके पर पहुंच गई लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग से अधिकारी नहीं पहुंचे। शातिर सुबह के समय चोरी किए कलपुर्जे लेकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए लेकिन रात के समय भी चोरों ने इसी वारदात को फिर से अंजाम दिया। फिर से सुधीर रमौल की नजर शातिरों पर पड़ी और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में तीसरा व्यक्ति भी शामिल है जिसे चोरी का सामान बेचा गया है। कुछ एक व्यक्ति अननोन से यहाँ पे कुछ भांग कहते मलते थे हम। तो एक दिन मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, भांग मल रहे हैं। तो मेरे को डाउट हुआ कि वो कोई चोर है। तो मैंने एक दिन देखा, परसों मॉर्निंग में यहाँ पे कोई लोहे का सामान पड़ा था। मैंने उसको इन्फॉर्म किया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, फिर मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। ऐसे जैसे पुलिस आई 12 बजे के आसपास, तो उससे पहले वो यहाँ से ले जा चुके थे। इसीलिए मैं गौर फरमा रहा था यहीं पर, ध्यान रखा था वैसे कि दीवार से कोई ना कोई चोरी हो, क्योंकि पत्थर भी यहाँ गिरे हुए थे। तो कल शाम परसों जैसे ही शाम को 7 बजे आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला, तो एक कट्टा लोहे के सामान का जिसमें बेशकीमती कलपुर्जे थे पुराने मशीनरीज के, वो कट्टे में भरे हुए थे। इन द मीन टाइम मैंने जैसे ही आवाज़ सुनी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस साथ के साथ आ गई। उतने में दो शातिर अंदर से जैसे ही निकले, उनको रंगे हाथों मैंने पकड़वा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर बबीता राणा ने बताया कि फाउंड्री से सामान चोरी करते पकड़ा गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, साथ ही कबाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है। जो नाहन की फाउंड्री है वहाँ पर कोई 1.5-3 दिन जो है अजनबी रात को अंदर घुसते हैं और वहाँ से जो कलपुर्जे रखे होते हैं मशीनों के, वो निकाल कर रात को बाहर झाड़ियों में छुपा देते हैं और सुबह जो है उसको मौका देख के ले जाते हैं। तो जिस पर जो है गुनुघाट में से, गुनुघाट से जो है पुलिस भेजी गई थी इंफॉर्मेशन मिलने के ऊपर, तो 2 व्यक्तियों को जो इसमें अरेस्ट किया गया है और जो कलपुर्जे उन्होंने चोरी करते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। और इसके अलावा जो दिन के समय में उन्होंने ट्राई किया था और वो माल जो है किसी कबाड़िये को बेच दिया था, उस कबाड़िये को भी अरेस्ट कर लिया है, उसको पकड़ लिया है और उसे माल भी रिकवर कर लिया है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।